अपना एटीएम तो दे दिया कि पूरे बेकार भूख है, अरे उसका एटीएम पोस्ट का बाद दे दूंगा मेरा लग गया, मेरा एटीएम तो वो नहीं वो बैंक में आ गया हुआ है। मेरा क्या मैटर था, एक बूढ़ा है वो गाड़ी चला मेरे ख्याल से, वो जा रहा है तो वो पुलिस को बुला लिया तो पुलिस वो मौके पे आ गई, पुलिस ने गाड़ी अपनी कस्टडी में ले ली और वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक, तो राजकुमार जी अपना कर रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई। ठीक हाँ जी, क्या नाम है और क्या मामला आज आपके सामने आया? प्रद्युमन नाम है जी मेरा, बिरबल नगर में मेरी रेजिडेंस है। तो मैं पैसे कटवाने के लिए HDFC बैंक के ATM में आया, तो मैं पैसे कटवा के जिस टाइम बाहर आया तो बोले अंकल आपके वो चालू रह गया ATM, उसको ब्लॉक कर दो आप डाल के दोबारा इसने, वरना कोई और पैसे निकाल जाएगा। मैं बोला भाई कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा, मैंने डाल के ATM और फिर वो ब्लॉक कर दिया। बोले अंकल ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा ऐसे नहीं, ऐसे दो तीन बार निकाल के उसने और पता नहीं किस टाइम वो बदल दिया ATM, तो मेरा वो ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने जब उसमें से निकाला नहीं देखा तो ATM बदल रहा, मैंने बाद में पकड़ा उसको, वो भाग लिया। वो इस कार में बैठा था, ये कार कौन सी है, वो ये कार है वो किया। मैंने उसको पकड़ के इसकी चाबी निकाल दी, चाबी निकाल ली, वो दूसरी साइड से निकल के भाग गए, बस मैं उनको पकड़ नहीं पाया है, लोगों ने साथ नहीं दिया, वो पकड़े नहीं उन्होंने, वो फिर बाद में आए क्या था तब वो जा लिए थे। अब आपका ATM वो ले गए, वो ATM उन्हीं के पास है। पुलिस कार्रवाई आपने पुलिस कर दी हो? श्री राजकुमार जी है यहाँ, उनके पास हम गए थे, उन्होंने अपनी कस्टडी में ले ली और उन्होंने अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। ठीक है।